झारखंड की राजनीति अब सकारात्मक परिपेक्ष में करवट ले रही है और लोग अब पैसे से वोट अपना बेचने के फेवर में नहीं है। उनका स्पष्ट कहना है कि जो योग्य प्रत्याशी आएगा, जो विजनरी लीडरशिप दे पाएगा, जो पोटेंशियल लीडरशिप दे पाएगा, जो नीति निर्माण की समझ रखता होगा, ऐसे प्रत्याशी को ही वो चुनाव में जिताएंगे और विधानसभा भेजेंगे, ताकि जनसभा चुनाव लड़ने के मामले में नया हो सकता हूँ, लेकिन राजनीति के मामले में अगर आप बजरंग महतो से हमारी तुलना कर लें या सुनीता चौधरी से हमारी तुलना कर रहे हैं तो वो कहीं हमारे सामने टिकते नहीं हैं। हमारे राजनीति का, हमारे आंदोलन का, हमारे क्रांति का एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। झारखंड लोग यूपी कानपुर और लखनऊ के लोग आके भर गए थे। जब हमने यह सवाल मंत्री जी से पूछा, उस समय हम लोग आंदोलन कर रहे थे, तो मंत्री महोदय ने बोला कि रामगढ़ में इंजीनियरिंग की डिग्री वाले लोग ही नहीं हैं, काबिल लोग ही नहीं हैं। तो सवाल ये वाजिब है कि भाई इंजीनियरिंग कॉलेज अगर हमारे ज़िले में है, हमारे विधानसभा में है, तो डिग्रियाँ हमारे विधानसभा में क्यों नहीं हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं एक बात तो झूठ है। झारखंड के सभी साथियों को जोहार। आप देख रहे होंगे झारखंड में कुछ विगत कुछ दिनों से खतियान आंदोलन, भाषा आंदोलन चल रहा था। उस आंदोलन में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव थे संतोष कुमार महतो, और ये रामगढ़ उपचुनाव में एक प्रत्याशी भी हैं। तो आइए इनसे जानते हैं क्या इनका चुनावी मैनिफेस्टो और क्या है इनका रणनीति चुनाव लड़ने के लिए। तो सबसे पहले दादा जोहार, आपके सभी सब्सक्राइबर्स, सभी फॉलोअर्स, जितने भी व्यूअर्स हैं, सभी को हूल क्रांतिकारी खतियानी जोहार। आप एक आंदोलनकारी थे, लेकिन क्या कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी जो आप राजनीतिक चुनाव लड़ने के लिए आ गए? बहुत वाजिब सवाल आपने पूछा। राजनीतिक महत्वाकांक्षा या कहें राजनीतिक ज़रूरत, जो सच्चाई है वो आपने दिल छूने वाला सवाल पूछ दिया है। मैं आपको बता दूं कि हमारा कभी भी राजनीति में आने का कोई इच्छा नहीं था, हमारी कोई प्लानिंग नहीं थी, लेकिन वर्तमान रामगढ़ का जो परिस्थिति है, एक पॉलिटिकल क्राइसिस रामगढ़ में दिखता है, एक लीडरशिप का क्राइसिस रामगढ़ में दिखता है। 2007 में रामगढ़ जिले की स्थापना के बाद से रामगढ़ जिला, रामगढ़ विधानसभा अयोग्य हाथों में है, जिसके वजह से 15 साल के आजसू के कार्यकाल में और 3 साल के कांग्रेस के कार्यकाल में रामगढ़ में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बदहाली है। रामगढ़ जिला सबसे अमीर जिला में शुमार होता है, खान खनिज भरे पड़े हैं, लेकिन जब बात आती है शिक्षा की तो जिला बदहाल है, जब बात आती है चिकित्सा सुविधा की तो जिला पूरी तरीके से रांची पर डिपेंडेंट है, बात आती है रोजगार की तो 200 से ज़्यादा फैक्ट्रियों के होने के बावजूद यहाँ के युवा बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं और दर दर भटकने को मजबूर हैं। आपने कहा दादा कि अयोग्य लोगों के हाथों में ये चला गया है, तो आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि उनका मानना है कि हम तो बहुत ही ज़्यादा ITI कॉलेज खोल दिए हैं, इंटर कॉलेज खोल दिए हैं, स्वास्थ्य के लिए अच्छा कर दिए हैं। यही सवाल जब पेयजल विभाग में कनीय अभियंताओं की नियुक्ति की बात आई थी तो हमने भी यही सवाल माननीय पूर्व मंत्री जी से पूछा था कि भाई हमारे विधानसभा में इंजीनियरिंग कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, लेकिन फिर भी जो वैकेंसी आई उसमें 137 के लगभग वैकेंसी आई थी, लेकिन 98 लोग यूपी कानपुर और लखनऊ के लोग आके भर गए थे। जब हमने यह सवाल मंत्री जी से पूछा, उस समय हम लोग आंदोलन कर रहे थे, तो मंत्री महोदय ने बोला कि रामगढ़ में इंजीनियरिंग की डिग्री वाले लोग ही नहीं हैं, काबिल लोग ही नहीं हैं। तो सवाल ये वाजिब है कि भाई इंजीनियरिंग कॉलेज अगर हमारे ज़िले में है, हमारे विधानसभा में है, तो डिग्रियाँ हमारे विधानसभा में क्यों नहीं हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं एक बात तो झूठ है। पहली बात कि कॉलेज तो हमारे पास है, लेकिन यहाँ के लोगों को क्या इंजीनियरिंग की डिग्रियाँ या पॉलिटेक्निक की डिग्रियाँ मिल रही हैं? नहीं। अगर डिग्रियाँ हमारे पास होती तो रोज़गार हमारे पास होता। तो ये एक छलावा है, एक प्रोपेगेंडा है, ठेकेदारी है। उन लोगों ने ठेकेदारी पर्पज़ से कॉलेजों का निर्माण कराया, लेकिन आज भी आप देख लीजिए कि उन कॉलेजों को कनेक्ट करने का कोई कनेक्टिंग रोड नहीं है। जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो बाहर के लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। रामगढ़ के लोगों के लिए कोई विशेष रिजर्वेशन या विशेष प्रायोरिटी जैसा कोई नियम कानून रामगढ़ में नहीं है। आपने कहा यहाँ पर रामगढ़ में 200 से ज़्यादा कंपनियाँ हैं और लेकिन यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो राज्यपाल के द्वारा तो ऑलरेडी नियम बना हुआ कि 75% लोकल लोगों को रोजगार मिलेगा, तो फिर वो इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है यहाँ पे? देखिए, लोकल लोगों को रोजगार तभी मिल पाता है जब उनके रिप्रेजेंटेटिव यानी उनके विधायक उनके लिए वोकल हो पाते हैं, जब उनके लिए वो आवाज़ उठा पाते हैं। आप 18 साल के लंबे इतिहास में देख लीजिए कि ना तो रामगढ़ के लोगों को एक वोकल लीडरशिप मिल पाया है, ना ही एक पोटेंशियल लीडरशिप मिल पाया है, जिसके वजह से ही शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बातें ये लोग सोच ही नहीं पाते, बोल ही नहीं पाते हैं, करना तो इनके लिए ख्वाब है। आज भी रामगढ़ के लोग मैट्रिक की पढ़ाई करने के बाद हजारीबाग, रांची और बोकारो जाने के लिए विवश हैं। आप आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं रामगढ़ में, 8 में 10 में से 8 लोग जो है वो इलाज के अभाव में जान त्याग देते हैं, दम तोड़ देते हैं। तो यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था और यहाँ रोजगार बदहाल स्थिति में है। तो सर, एक तरह से देखा जाता है कि यहाँ पे खतियान का भी लड़ाई चल रहा था, स्थानीय नीति और नियोजन नीति, वो अभी बन नहीं पाया है, बार बार टाला जा रहा है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? जो यूपीए सरकार है, शुरुआत से ही
एनडीए सरकार को झूठ बोलने में ओवरटेक करके सत्ता में आई है। एनडीए सरकार ने कम झूठ बोला, उससे कहीं ज़्यादा ओवरटेक करके हेमंत सरकार ने झूठ बोला, 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, स्थानीय नीति बनाएंगे, खतियान आधारित स्थानीय नीति बनाएंगे, कुर्मी को एसटी में शामिल करेंगे, तमाम तरीके के झूठ फैलाए गए, तमाम तरीके का प्रोपेगेंडा फैलाया गया और हम युवाओं को, हम किसानों को, हम भोले भाले आदिवासियों को बरगलाया गया है। और सत्ता के लालच में हेमंत सरकार ने इतना झूठ बोला है कि झूठ बोलने के नाम पे उन्होंने एक नया कीर्तिमान और इतिहास बना दिया है। हेमंत सरकार को ही दोष क्यों देते हैं? झारखंड का बना हुआ 22-23 साल हो गया, राजनीतिक जितने भी पार्टियां सभी लोग यहाँ पे बारी बारी से यहाँ पे सत्ता में रहे हैं, काबिज रहे हैं, तो हर पॉलिटिकल पार्टी को आपको दोष देना चाहिए। अभी मैंने बोला कि एनडीए सरकार को झूठ बोलने में ओवरटेक करके यूपीए सरकार आई है। जी, एनडीए सरकार ने यहाँ पे जो बदहाली, जो भ्रष्टाचार, जो भूख और जो बेरोजगारी फैलाया, उसको और यूपीए सरकार ने ओवरटेक किया है, उसको और बढ़ाने का काम किया है। रामगढ़ का विकास के लिए संतोष महतो किस रूप से, क्या मैनिफेस्टो इनके पास, किस रूप से इन समस्याओं का समाधान करेंगे? झारखंड पार्टी और संतोष कुमार महतो का स्पष्ट विजन है कि जब तक से किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में शिक्षा दुरुस्त नहीं होगा, प्राइमरी से लेकर पीएचडी की शिक्षा वहाँ के लोग वहीं पर रह के हासिल नहीं कर पाएंगे, तब तक बेरोजगारी बढ़ेगा, तब तक बेरोजगारों की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि रोजगार का आधार जो है वो शिक्षा है। और रामगढ़ में शिक्षा व्यवस्था के नाम पे एकमात्र फटेहाल कॉलेज है, रामगढ़ कॉलेज, जिसके भरोसे पूरे जिले की शिक्षा व्यवस्था है। अगर किसी को अच्छी शिक्षा हासिल करनी है, अगर उसके परिवार वाले लोग सक्षम हैं, कैपेबल हैं, तो वो रांची, हजारीबाग जैसे जिलों में भेजते हैं, लेकिन इनकी जो संख्या है, सक्षम परिवारों की संख्या गिनी चुनी है, जिसके कारण शिक्षा व्यवस्था यहाँ पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है और बेरोजगारी चरम पर है। संतोष महतो के जो कंपटीटर हैं वो कहीं ना कहीं मंत्री भी रह चुके हैं 15 साल, और 3 साल वो विधायक भी रह चुके हैं, और संतोष महतो जो है पहली बार चुनाव में अपना हाथ आजमा रहे हैं, तो कैसे लड़ेंगे इन बाहुबलियों से आप? देखिए, मैं चुनाव लड़ने के मामले में नया हो सकता हूँ, लेकिन राजनीति के मामले में अगर आप बजरंग महतो से हमारी तुलना कर लें या सुनीता चौधरी से हमारी तुलना कर रहे हैं, तो वो कहीं हमारे सामने टिकते नहीं हैं। हमारे राजनीति का, हमारे आंदोलन का, हमारे क्रांति का एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के खिलाफ आंदोलन करते हुए हम लोगों ने जेपीएससी के आंदोलन में भी भागीदारी निभाई है, जेएसएससी के आंदोलन में भागीदारी निभाई है, ब्लॉक सहित तमाम जिला, थाना, जितने भी तरीके के भ्रष्टाचार के गढ़ बने हुए संस्थान हैं या ऑफिस है या कार्यालय हैं, उनके खिलाफ हम लोगों ने बड़ा लंबा आंदोलन लड़ा है। तो राजनीति के मामले में मैं इन लोगों से काफ़ी पुराना हूँ, काफ़ी अनुभवी हूँ। हाँ, चुनाव लड़ने का मुझे अनुभव कम है, लेकिन जिस तरीके से एक मजबूत और समर्पित टीम हमारे साथ है, ये चुनाव हम लोग इस बार जीतेंगे और पहली बार चुनाव लड़कर हम लोग विधानसभा पहुँचेंगे, ताकि झारखंड के वैसे युवा जो उम्मीद पाले बैठे हैं कि संतोष महतो जैसे क्रांतिकारी लोग, संतोष महतो जैसे आंदोलनकारी लोग जो जनसभा में सहमति बनाने के लिए भीड़ जुटाते हैं, भीड़ का हिस्सा बनते हैं, वो सहमति के बाद जो है वो विधानसभा जाकर उस सहमति को नीति बनाने में बदल सके। संतोष महतो लगातार रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं, कैसा युवाओं, महिलाओं, किसानों, बुद्धिजीवों का रिस्पॉन्स मिल रहा है? इससे पहले भी 2016 से लगातार मैं रामगढ़ के कोने कोने में संघर्षशील हूँ, यहाँ के मजदूरों, यहाँ के किसानों, यहाँ के छात्रों, यहाँ के महिलाओं के हक और अधिकार के लिए मैं लड़ता रहा हूँ। ब्लॉक में व्याप्त भ्रष्टाचार हो, थाने में व्याप्त भ्रष्टाचार हो, उसके खिलाफ मैं लगातार मुखर रहा हूँ। हाँ, ये पहली दफ़ा हो रहा है कि समर्थन मांगने की जगह पर मुझे वोट मांगने के लिए उनके पास पहुँचना पड़ रहा है, लेकिन कोई भी ऐसा रामगढ़ का कोना नहीं है जहाँ मुझे लोग नहीं पहचानते हैं। जहाँ तक संतोष महतो नहीं पहुँचा है, वहाँ उससे पहले उसका नाम और उसका काम पहुँच चुका है। तो वोट मांगने में मुझे बहुत सुविधा हो रही है, क्योंकि वो मुझे पहले नाम से पहचान रहे हैं, मेरे काम से पहचान रहे हैं। और जब मैं उनसे यह वादा कर रहा हूं कि आने वाले 18 महीने में जो उन लोगों ने 18 साल में नहीं देखा, वो 18 महीने में मैं करके दिखाऊंगा, अन्यथा 2024 के चुनाव में मैं वोट मांगने नहीं आऊंगा। क्या संतोष महतो यह वादा कर सकते हैं कि अच्छा पढ़ाई, अच्छा कमाई, अच्छा दवाई के लिए झारखंड, सॉरी, रामगढ़ वासियों को रामगढ़ से बाहर ना जाना पड़े? हमारा स्पष्ट चुनावी मुद्दा यही है। मैं पहले दिन से बस यही बातें दोहरा रहा हूं कि मेरा राजनीति में आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यह है कि रामगढ़ के लोग प्राइमरी से लेकर पीएचडी तक की शिक्षा रामगढ़ जिले में रहकर करेंगे, छोटी से छोटी, बड़े से बड़ी बीमारी का इलाज रामगढ़ में रहकर रामगढ़ के लोग करा पाएंगे, और रोजगार के लिए रामगढ़ वासियों को दर बदर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा स्पष्ट मुद्दा है, हम शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मामले में रामगढ़ जिले को, रामगढ़ विधानसभा को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राजनीति में आए हैं। ठीक है सर, टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सकारात्मक राजनीति के लिए, निडर, निष्पक्ष, आजाद पत्रकारिता के लिए अनिल बाबू, आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम में रामगढ़ के वासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, साथ ही साथ यह अपील भी करना चाहता हूँ कि पूरे 80 विधानसभा के लोग टकटकी लगाकर इस रामगढ़ उपचुनाव को देख रहे हैं। जिस तरीके से विगत 3 सालों में भाषा आंदोलन में युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, खतियान आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिस तरीके से सांस्कृतिक समृद्धि के लिए लोग एकजुट हो रहे हैं, यह जो उपचुनाव होगा, यह उपचुनाव एक मिसाल कायम करेगा कि झारखंड की राजनीति अब सकारात्मक परिप्रेक्ष्य में करवट ले रही है, और लोग अब पैसे से वोट अपना बेचने के फेवर में नहीं है। उनका स्पष्ट कहना है कि जो योग्य प्रत्याशी आएगा, जो विजनरी लीडरशिप दे पाएगा, जो पोटेंशियल लीडरशिप दे पाएगा, जो नीति निर्माण की समझ रखता होगा, ऐसे
प्रत्याशी को ही वो चुनाव में जिताएंगे और विधानसभा भेजेंगे, ताकि जनसभा के माध्यम से सरायकेला से लेकर खूंटी से लेकर पलामू और सिमडेगा तक से जो हम लोगों ने ख्वाब देखा है, स्थानीय नीति की बात हो, नियोजन नीति की बात हो, उद्योग नीति की बात हो या विस्थापन नीति की बात हो, इन नीतियों का निर्माण करने के लिए सकारात्मक लोग, विकासात्मक सोच वाले लोग, रचनात्मक सोच वाले लोग विधानसभा पहुंचेंगे, उसकी एक नया आगाज और एक नया मिसाल जो है यह रामगढ़ विधानसभा कायम करेगा। ठीक है सर।